एचएन न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। दरगाह यूसुफे नामपल्ली में बारिश और नाले का पानी दरगाह के सहन के अंदर दाखिल हो गया। तेलंगाना गवर्नमेंट के मैनेजमेंट को हर तरह से काम करवाने के लिए अमाउंट सैंक्शन होता है, मगर फिर भी नाकामी हो रही है। हमने हमारे चैनल के जरिए लास्ट टाइम बाथरूमों के काम जो की पेंडिंग थे अमाउंट सैंक्शन होने के बाद भी उसको बताया था। फिर हमने उसके बाद बताया था की किस तरह दरगाह के ऊपर के हिस्से को बर्थडे पार्टी के लिए इस्तेमाल किया गया था। आए दिन दरगाह के पास कुछ ना कुछ होते रहता है, आखिर इसके जिम्मेदार कौन है, वक्फ बोर्ड या फिर दरगाह के निगरान कार? हम हमारे चैनल के जरिए वक्फ बोर्ड चेयरमैन से अपील करते हैं कि वो नामपल्ली दरगाह आए और दरगाह के पेंडिंग कामों का जायजा लें और जल्द से जल्द इन कामों को करवाएं ताकि अवाम को तकलीफ का सामना ना करना पड़े। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब हाशमी की ये खास रिपोर्ट पेश है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले पहुंच सके।